नमस्ते एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम टू क्रिएटिव एंगल्स ऑफ लाइफ। अब मैं खुद ग्रॉसरी आइटम के होल्ड करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन स्पाइसेस एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहें या ना चाहें आपके घर में थोड़ी बहुत स्टोर हो ही जाती है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसे ऑर्गेनाइज़ करना और साथ ही साथ उसका एक्सपायरी डेट याद रखना। मैंने भी बहुत ही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए जिससे मैं एक्सपायरी डेट को याद रख सकूं। मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मेरे फ्रीज़र की कंडीशन बिफोर ऑर्गेनाइजिंग। ये रस आवर में बोले या फिर नेग्लिजेंस बोले, ऐसा हो गया था मेरा फ्रीज़र। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी स्पाइसेस हैं उसको हम एक जगह पे निकालेंगे। तो स्पाइसेस हमें बस उतनी ही परचेज़ करनी चाहिए जितना कि यूज़ हो, बट वो इतनी क्वांटिटी में आता है कि आपको ना चाहते हुए भी स्टोर करना पड़ता है। और इन बॉक्सेस को जमा करने का इसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे एक्सपायरी डेट याद नहीं रहता था, तो इसके लिए ये सारे स्टोर होते गए। पर अब मैं कुछ मेथड चेंज करने वाली हूँ जिससे मुझे पता रहेगा कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेग्रीगेट करूँगी जो एक्सपायर्ड हो चुका है। और ये बिलीव मी सबसे बुरा लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हम मेरे कारण कुछ चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। पर कोई नहीं, एक मेथड है जो मुझे पता चला है और मैं उसे ही फॉलो करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो सारे स्पाइसेस को मैंने सेग्रीगेट कर लिया, जो भी एक्सपायरी था उसे हटा दिया। और जो भी कंटेनर हैं जिसे वाटर से वॉश करना है उसे मैं वाटर से वॉश करूँगी। और जिससे बस एक वाइप की ज़रूरत है जिसमें अभी भी मसाला पड़ा हुआ है, तो बस मैं वाइप करके उसको क्लीन कर लूँगी। कंटेनर्स को क्लीन करने के बाद में मैं करूँगी इसे रिफ़िल। जैसे कि यहाँ पे कसूरी मेथी को मैं डाल रही हूँ एक बड़े से कंटेनर में, क्योंकि मुझे इसे स्टोर करना है, इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसे मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखूँगी। इसके अलावा मैं एक छोटे से कंटेनर में भी मसालों को रखूँगी जो कि ज़्यादा क्वान्टिटी में हैं, थोड़े बहुत बाहर रखूँगी जिसे ईजी हो डे टू डे लाइफ में यूज़ करना। मुझे यहाँ पे कई सारे पैकेट्स ऐसे मिले जिसको अननोइंगली मैंने कट कर दिया है। सेम मसाले हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कट करके इसको रखा था, अननोइंगली स्टोर करके रखा था। तो यहाँ पे ये सेम मसाले हैं तो मैं उसे एक ही कंटेनर में स्टोर करके रखूँगी। मे बी रसावर के कारण या जो भी रीज़न हुआ हो मैंने इसे कट कर दिया है। तो खैर, मैं यहाँ पे इसे सारे को एक में स्टोर करूँगी क्योंकि मसाला सेम ही है। और प्लास्टिक के बॉटल्स या कंटेनर्स को मैं अभी अवॉइड ही करना चाहती हूँ, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम एक ही दिन में सारे प्लास्टिक को अपनी लाइफ से नहीं अलग कर सकते हैं, हमारे किचन से नहीं हटा सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस और इसमें काफ़ी टाइम लगता है और साथ के साथ पैसा भी। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट एक्सपायरी डेट था इन तीनों मसालों में, उसको मैं रखने वाली हूँ। उसे मैं यहाँ पे ऐसे कट कर लूँगी जिसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था, जो नियरेस्ट एक्सपायरी डेट है। इट विल बी लाइक अ डेडलाइन, उससे पहले मुझे इन मसालों को ख़त्म करना है। और मैं इसे यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दूँगी। सेलो टेप को मैं यहाँ यूज़ करूँगी और इसे ऐसे यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। तो ये है ना अच्छा आइडिया, ऐसा करने से मैं इसे एक्सपायरी डेट को ईज़िली याद रख सकती हूँ। तो ऐसे जो भी मसाले हैं या पाउडर हैं जिसको मैं चाहती हूँ कि एक्सपायरी डेट मुझे पता रहे, जिसमें कि काफ़ी दिन लगेगा ख़त्म होने में, तो उसमें से मैं सारे में ऐसे एक्सपायरी डेट रख रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये स्टिकर। तो मैंने यहाँ पर ये स्टिकर सब में पेस्ट कर दिया है। और कुछ मसाले हैं जिसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यूज़ करूँगी क्लिप को उसे स्टोर करने के लिए और ये बास्केट। साथ में मैं जो भी कुछ ऐसे ग्लास के बॉटल्स आते हैं जब हम कुछ चीज़ें परचेस करते हैं, कॉफ़ी के हो या हनी के हो, तो उसे भी मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्टोर करने के लिए कुछ स्पाइसेस या फिर कोई भी ग्रॉसरी आइटम।
तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ। यहाँ पे मैं गैस के बगल में मैंने ये एक रैक लगाया हुआ है, प्लास्टिक का ही रैक है, जिसके ऊपर मैं जो डेली यूज़ होता है मसाले, मैं उसे यहाँ पे रखती हूँ, जो कि ईज़िली एक्सेसिबल होता है मेरे लिए। और जो मसाले हैं जिसे मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ तो, और जिसे ज़्यादा दिन के लिए मुझे स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, उसे मैं रखती हूँ फ्रीज़र में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।